प्यार के मौसम वाले वैलेंटाइन सप्ताह में कटिहार में प्यार में तकरार वाले एक हाई प्रोफाइल कहानी इन दिनों पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कहानी के दोनों किरदार पेशे से डॉक्टर है और फिलहाल डॉक्टर दंपति के प्यार में नोकझोंक की कहानी अब सड़कों पर आ गई है। इसमें कटिहार मेडिकल कॉलेज में नौकरी करने वाले डॉक्टर संतोष की पत्नी, जो खुद भी दरभंगा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर है, वह अपने पति पर 5 साल से उन्हें नज़रअंदाज करने की आरोप लगाते हुए एक बेटा रहने के बावजूद इस रिश्ते को नहीं मानने के आरोप लगा रही है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर रेणु प्रभा इन आरोपों के साथ डॉक्टर संतोष पर किसी और के साथ रिश्ता होने के शक जताते हुए हम तुम और वह के चक्कर में रिश्ता बिगड़ते हुए बेवफाई का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में कई दिनों से कटिहार में आपने प्यार को हासिल करने के लिए डॉक्टर रेणु प्रभा कोलकाता के महिला विकास मंच के सदस्यों के साथ कटिहार मेडिकल कॉलेज पहुंचकर जमकर बवाल भी काटा, लेकिन अब तक किसी भी हाल में डॉक्टर संतोष इस रिश्ते को नहीं मानने के जिद पर अड़े हुए हैं। वहीं मामला के आरोपों पर डॉक्टर संतोष मीडिया के सामने आकर भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। पूरे मामले पर कोलकाता महिला विकास मंच के सदस्यों ने कहा, मिस्टर और मिसेस डॉक्टर के इस तकरार को लेकर उन लोगों ने दोनों को बैठाकर समझाने की भी पूरा प्रयास किया है, मगर डॉक्टर संतोष किसी भी तरह से इस रिश्ते को मानने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले भी कई बार वह अपनी पत्नी डॉक्टर रेणु प्रभा की बेरहमी से मारपीट कर चुका है, इसलिए अब वे लोग आगे लीगल प्रक्रिया में जाने पर विचार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर प्यार में प्रमाण चढ़ने वाले वैलेंटाइन सप्ताह के बीच कटिहार के इस हाई प्रोफाइल प्रेम कहानी को लेकर लोग यही कह रहे हैं कि समाज का कोई भी पक्का हो, लेकिन जहां इक्स है वहां रिक्स है। फिलहाल डॉक्टर दंपति के प्यार की तकरार वाली इस कहानी में गुनहगार कौन है, या तो लीगल जाँच में ही साफ हो सकता है। और हम लोग के पास करीब 4 महीने से रेणु जी का लगातार फोन आ रहा था कि ये पीड़ित है महिला, ये शी इज ऑल्सो डॉक्टर, गायनी भी डॉक्टर है। कहाँ करें मैडम मेडिकल और इनके पति कटिहार मेडिकल कॉलेज में पी जी आर डिपार्टमेंट में है, बच्चे के डॉक्टर हैं। डॉक्टर संतोष कुमार डिपार्टमेंट का कटिहार मेडिकल कॉलेज में है। तो आज हम लोग जब यहाँ पर सुबह पहुँचे तो संतोष जी से हमारी लगातार 2-3 बार बात हुई थी, तो वो हमेशा यही बोलते थे कि मुझे नहीं मिलना। फर्स्ट टाइम उन्होंने एग्री किया कि मैं टाइम दूंगा मैडम, और सेकंड टाइम वो डिनाई किए। सेक्रेटरी भी मेरी बात मैंने बात की थी तो उनका एक ही बात था बोलने का कि मैं फ्रंट पेज पे नहीं आऊँगा, अगर आप लोग ने पोस्ट किया तो मैं सुसाइड कर लूँगा, आप लोग सिर्फ कागज भेजो मैं साइन कर दूंगा। तो सर ऐसे तो नहीं होता है, बैठना तो दोनों पार्टी को पड़ेगा। और ये 5 साल के साथ मैंने 5 साल के बच्चे के साथ सफर कर रही है, 5 साल का बच्चा है और उन्होंने बच्चे का कोई लाइबिलिटी नहीं की, लेकिन इनके साथ अगर ऐसा हो सकता है तो नॉर्मल हाउसवाइफ के साथ क्या होगा। ये कलकत्ता में क्या हुआ आप लोग को, नहीं इनकी दोस्त है कोई उनके मैडम बोले यहाँ पहले हाँ 1 साल पहले हम आए थे क्योंकि यहाँ के बारे में हमको पता नहीं है। हम पीडिया डिपार्टमेंट गए वहाँ पे पल हम खोजे ऊपर नीचे वो नहीं मिले, तब एक डॉक्टर से पूछे जो ये डॉक्टर संतोष का भेजना है तो वो मिलने से बाहर कर दिया। बोले कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, तो हम बोले जो हिम्मत नहीं हुई सर हम लोग आना यहाँ पे। किनका सहयोग लिया आप, किन लोग के साथ आए हैं? वो है मेरे एक नून है उनके साथ आए हैं। क्या क्या नाम आपका चलिए मेरा आप रेणु क्या डॉक्टर रेणु हम भी एक डॉक्टर हैं। अच्छा संतोष सर के लीगल वाइफ है? हाँ लीगल वाइफ है। आप लोग पीछे चले, तब बैग पीछे चले मैडम। हाँ अभी चलिए थोड़ा सा लग लें। क्या इशू है कटिहार मेडिकल कॉलेज में आप लोग आए हैं, कलकत्ता से आए हैं, क्या इशू? जी कलकत्ता से हम लोग को आना पड़ा इमरजेंसी में। रेणु जी काफ़ी सफ़र कर रही थी, डॉक्टर संतोष कुमार डॉक्टर है
यहाँ मेडिकल कॉलेज में, और वो काफ़ी दिन से 4 साल से लगभग रेणु जी को वो छोड़े हुए हैं विदाउट रीज़न। तो एक्चुअली हम लोग मिलने के लिए काफ़ी इच्छुक थे, उन्हें फ़ोन पे भी बात हो रही थी, तो वो फ़ोन पे डिनाई करते जा रहे थे कि नहीं मुझे नहीं मिलना है। तो आज नहीं मिलने की वजह से हम लोग को यहाँ सडन आना पड़ा उनके डिपार्टमेंट में और उनसे मिलना पड़ा। तो इस बीच में उनसे बातचीत हो रही थी, हालांकि माहौल थोड़ा गर्म भी हुआ था, लेकिन उस बीच में वहाँ के जो मैनेजमेंट लोग आए, टीम आए, और उन लोगों ने हमारे साथ काफ़ी तरीके से बात नहीं किया, जो भी बोल सकते हैं, और वो हमारे साथ कॉपरेट भी नहीं किए। और जहाँ तक बोलेंगे संतोष कुमार जो डॉक्टर हैं, उनको उन लोगों ने प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की। तो गलत सर गलत होता है कि कोई भी हो, तो गलत चीज़ को तो प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। तो यही हमारा डिमांड है कि सही का सपोर्ट करें, और यही हम चाहते हैं। अब आप लोग का तो बात नहीं बन पाया, आगे क्या करेंगे? बात बन नहीं पाया ये नहीं बोल सकते, हम लोग के आने से इंस्टेंट ये संतोष जी, डॉक्टर संतोष जी ने ये डिसीजन लिया है कि अब रेणु जी को वो लीगल प्रोसेस में डिवोर्स देंगे, जो कि वो शुरू से उनके मन में था, लेकिन अभी ये जो इतना कुछ हुआ उसके बाद उन्होंने इंस्टेंट ये डिसीजन लिया, वो भी किसी के बहकावे में ही लिया है। तो वो ये चीज़ सही नहीं है, अगर खुद का है भरोसा तो खुद ही डिसीजन लेना चाहिए, बस यही कहना चाहिए। मैं मनीषा गुप्ता, महिला विकास मंच वेस्ट बंगाल टीम। थैंक यू। मैं जो इशू आया है उसमें कुछ निष्कर्ष तो नहीं निकला, अब क्या करेंगे रेणु जी? देखिए, ये तो नहीं बोलेंगे कि निष्कर्ष नहीं निकला, क्योंकि 4 साल से वो इंसान मिलना नहीं चाह रहा था, उनकी वाइफ उनके खुद के कॉलेज में आके उनसे मिलना चाह रही थी, उनको यहाँ तक उनकी वाइफ को ये भी नहीं पता वो कौन सी जगह पे है, उनका रूम नंबर, उनका जहाँ पे चैम्बर नंबर कुछ भी नहीं पता था। तो उन्होंने, उनके हस्बैंड ने उनको बोला कि आप अपने किसी स्टाफ से कहलवाया कि आप मुझे उनको बोलो मेन रोड में आके मिले। तो एज अ हस्बैंड वाइफ आप समझ सकते हो रिलेशन, और जो अभी उन्होंने डिसीजन लिया है 4 साल के बाद, वो 4 साल से छोटे बच्ची के साथ अकेले सफ़र कर रही है, सारा खर्चा वो उठा रही है, उसके बाद वो बोलते हैं कि अभी मैं डिवोर्स फाइल करूंगा, और वो भी किसी के बहकावे में आके ही उन्होंने ये डिसीजन लिया है, क्योंकि अगर ये डिसीज़न उनका पहले होता तो वो 4 साल पहले ही हो जाता। क्या लगता है दो इंटेलेक्चुअल लोग इस तरह का डिस्प्यूट को लेकर लड़ रहे हैं, इस पर कुछ और पहल होनी चाहिए, कानूनी रास्ता ही अब बचा है? देखिए, लड़की अभी भी एडजस्ट करने को रेडी है, अपने बच्चे के लिए वो अभी भी एडजस्ट करने को रेडी है, वो इतना भी बोल रही है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बच्चे को बाप का प्यार मिलना चाहिए, जो कि एकदम सही बात है, जेन्युइन है। कितने साल का बच्चा है? 5 साल का। क्या अपना परिचय? जी, मैं दीप्ति बेदी, महिला विकास मंच से सेक्रेटरी। थैंक यू। वो बताओ, और एक दो बार अब 4 साल के बाद अब वो इस डिसीजन में पहुँचे हैं हमारी काउंसलिंग के बाद कि अब मैं डिवोर्स लूँगा, और मैं ये नहीं चाहती है, मैं डिवोर्स नहीं देगी, क्योंकि ये गलत नहीं है, ये 4 साल से बच्चे के साथ सर्वाइव कर रही है सब। अब आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग क्या करेंगे? हमें अब हम लोग यही चाहते हैं कि एक कोर्ट में अगर जाना चाहते हैं तो हमारे पास काफ़ी मजबूत एविडेंस है, हम लोग यहाँ पर आए इनको मिलाने के लिए, बट इनके हस्बैंड मिलना नहीं चाहते हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर एक महिला पुरुष का अभी भी दबदबा समाज में चलेगा क्या, एक डॉक्टर महिला होके अगर वो इस तरह का काम करे, मतलब आपको भी सफर करना पड़ रहा है। यही पे आई थी पैसा, बट वो यहाँ नहीं मिले, वो उनसे मेन रोड में मिले, एज अ वाइफ उनका क्या बन, केस नहीं करना चाहता था। यहाँ से क्या सपोर्ट मिला मेडिकल? यहाँ से बिल्कुल सपोर्ट नहीं, उल्टे आप लोग यहाँ कैसे पहुँचे, उल्टे हम लोग ठीक बोल बताइए। क्या हुआ मेडिकल कॉलेज में आए थे? मेडिकल कॉलेज में हम लोगों को मजबूरन आना पड़ा, पहले डॉक्टर संतोष से मैडम ने कॉन्टेक्ट किया, हम लोग मिलना चाहते हैं, वो बोला हम नहीं आप लोग से मिलना चाहते हैं, तो हम लोग को मजबूरन यहाँ पता करके कौन से रूम में है पता करना पड़ा सीक्रेटली, तब क्योंकि अगर हम लोग कौन है ये संतोष वही अरे ये मतलब पति है मेरे हस्बैंड है। अच्छा, ठीक है, तो हम लोगों को पता ये जो उसको पता ना चले हम लोग यहाँ पर सीक्रेटली आना पड़ा, नहीं तो वो भाग जाता। 5 साल से वो हमसे फेस नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि हम उसे एक ही बात पूछते हैं जो तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो, तो वो है ना कुछ बोलता नहीं है, कहता है जो हमको साथ नहीं रहना है, वो हम लोग का एक नहीं है सोच, तो है ना अलग अलग रूम। आप डॉक्टर हैं बताइए, ये शादी क्यों किया? अच्छा, आप क्या हैं, कहाँ पर हैं आप, क्या दरभंगा में हम हैं, एम एस गाइन।
दरभंगा मेडिकल। तो ये आप लोग का लव मैरिज था या अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज। अच्छा, तो क्यों डिस्प्यूट क्यों हुआ, क्या है डिस्प्यूट का कारण, कुछ आपको समझ में आ रहा है? दोनों में मैरिज रिलेशन में डिस्प्यूट क्यों हुआ? डिस्प्यूट कुछ नहीं हुआ है, वो बस प्लान कर लिया है एक तरफा, तो हमको नहीं करना है। अब क्यों वो रीज़न नहीं दे रहा? अब क्यों, इसी के लिए हम उन लोगों को लेके आए थे कि जो वो रीज़न दे जो पर जो ये क्यों नहीं चाहता है, मतलब इस शादी को आगे नहीं करना। अब क्या करेंगे? अब आज भेंट हुई है ना? अब भेंट इतनी आसानी से नहीं हुई है, उसको हम लोग को ये पहले तो वो मिलना नहीं चाहता था, तो फिर ये लोग फिर हम लोग सीक्रेटली हम लोग यहाँ पहुँचे, कौन से रूम में है पता करके पहुँचे, तो फिर यहाँ जो भी फैकल्टी और मेंबर है वो लोग हम लोग के साथ बहुत बदतमीजी से बात किया। कटिहार मेडिकल सहयोग किया ना? नहीं किया, कटिहार मेडिकल कॉलेज बिल्कुल सहयोग नहीं किया, पिछले बार भी नहीं। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें Say24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।